अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने आउटडोर शेड में हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए हैं और ये किन बर्ड्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कितने केजेस हैं, इनको मैंने यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है और ये मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है, आइए देखते हैं। शेड बनाने से तकरीबन एक साल पहले मैंने प्लानिंग स्टार्ट की कि शेड को किस तरह डिज़ाइन किया जाए। तो मैंने सबसे पहले अपना जो एरिया, जो डायमेंशंस थी, उनको डिसाइड किया कि किस डायमेंशंस पे कितने केजेस बनेंगे और इसका एक लेआउट बनाया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कौन से मटेरियल के केजेस बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने डिफरेंट जो लोगों के शेड हैं वो विज़िट किए, उनमें से काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ें हैं, मैंने उनको पिक किया। इस सेट को मैंने मकाओस, काकाटू और अलेक्टस के लिए बनाया है। और इसके अलावा मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस था वो ये था कि इनको फुल गर्मी और सर्दी से कैसे बचाया जा सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। जिस जगह पे ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है और इस जगह की डायमेंशन है वो 50 फिट बाय 30 फिट है। और मैंने उस तरह से केजेस डिज़ाइन किए हैं ताकि केजेस हैं वो खूबसूरत भी लगे और बर्ड्स के लिए ज़्यादा छोटे भी ना हों। ऊपर सेंटर में जो खाली जगह है उस पर जाली का फ्रेम बना के उसको बंद किया हुआ है ताकि एक प्रोफेशनल शेड बनाया जा सके। और इसका बनाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई बर्ड केज से बाहर आ गया तो वो इसी शेड में रहे और उसको दोबारा पकड़ के उसके केज में छोड़ दिया जाए। और इस सेट की डायरेक्शन कुछ इस तरह है कि दाएं जानिब से सूरज निकलता है जो कि सुबह के टाइम एक तरफ धूप देता है और दोपहर में सब केजेस पे धूप लगती है और शाम के टाइम जो है बाएं तरफ सारे केजेस को धूप लगती है। तो जो बर्ड की जो विटामिन डी की जो ज़रूरत होती है वो भी सनलाइट से पूरी हो जाती है और इनको जो प्रॉपर है वो सनलाइट मिल जाती है। यहाँ पे मेरे पास टोटल 17 केजेस हैं और इनका जो साइज़ है, इनकी जो हाइट है वो 8 फिट है और डेप्थ है वो 9 फिट है और जो विड्थ है वो 5 फिट है। जो इसकी डेप्थ है वो आप मैक्सिमम जितनी भी रख लें वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे पास जितनी जगह थी मैंने उसके अकॉर्डिंग इसकी डेप्थ रखी है। मुझे शुरू से ही कैप्टिव बर्ड्स पसंद हैं जो आपके पास आ जाएँ और आपको एक्टिविटी शो करवाएं, तो उसके लिए ये शेड आइडियल है। तो शेड बनाने से 2 साल पहले मैंने बर्ड्स की परचेजिंग स्टार्ट कर दी थी और अभी तक मेरे पास बर्ड्स हैं वो पूरे नहीं हुए। उसकी रीज़न ये है कि कैप्टिव और अच्छे बर्ड्स हैं आपको मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। आउटडोर शेड में सक्सेसफुल जो बर्ड्स ब्रीड करते हैं वो ज़्यादा मकाओज, काकाटू, अलेक्टिस और अलेक्जेंड्रीन है। बाकी मैंने पहले तो इंडोर ही रखे हुए थे। जो किनियोर फैमिली है, सन किनियोर स्पेशली, वो आउटडोर में अच्छी ब्रीड नहीं करता क्योंकि जो सर्दी है वो बर्दाश्त नहीं करते और ज़्यादा जो गर्मी है उसको भी वो बर्दाश्त नहीं करते। तो बेहतर है कि किनियोर फैमिली के लिए इंडोर शेड ही हो, वो ज़्यादा बेहतर है। और जिस पैसेज पे मैं चल रहा हूँ ये केजेस के जो नीचे फर्श है उससे 3 इंच ऊंचा है। केजेस के नीचे वाला जो फर्श है वो 3 इंच नीचा और स्लोप में है। जब इसको वॉश किया जाता है तो इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, जो जितना भी वेस्टेज होती है, जितना पानी होता है वो सारा जो है वो स्लोप की वजह से सारा ड्रेन में चला जाता है। गर्मियों में खूब बारिश इंजॉय करते हैं, सर्दियों में सर्दी इंजॉय करते हैं और धूप है वो इनको जो है इनके लिए ऑप्शनल होती है। अगर इन्होंने धूप लेनी है तो ये फ्रंट पर्च पे आ जाते हैं बर्ड्स, और अगर इनको धूप पसंद नहीं है या गर्म मौसम है तो ये बैक साइड पे चले जाते हैं जो कि कवर्ड एरिया है। इस शेड का ओपन एरिया इतना है कि अगर आंधी या तूफ़ान भी आ जाए तो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होता बल्कि उस मौसम को इंजॉय करता है।
मेरे पास पहले इंडोर शेड था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आसान भी हैं लेकिन मुश्किल भी हैं। इसी तरह आउटडोर शेड में बहुत से फ़ायदे भी हैं लेकिन अभी तक कोई नुकसान तो मुझे नज़र नहीं आया। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि बर्ड बहुत हर टाइम जो है वो एक्टिव रहता है, और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि बर्ड क्लोज टू नेचर हो जाता है, अपने टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है। सब केजेस की डेप्थ है वो 9 फिट है, जिसमें से 6 फिट केजेस कवर हैं और 3 फिट ओपन है। जो 6 फिट कवर्ड है उसकी लेफ़्ट राइट पे लोहे की चादरें लगी हुई हैं, और ऊपर से छत है वो लेंटर से कवर है, और जो 3 फुट ओपन है उसके ऊपर जाली लगी हुई है। केजेस की बैक साइड पे 3 फिट की गली छोड़ी हुई है, और इसकी हाइट पे ब्रीडिंग बॉक्स लगाए हुए हैं। एक्चुअली जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो थोड़ी हाइट पसंद करते हैं, इसलिए इनके जो ब्रीडिंग बॉक्स हैं थोड़ी हाइट पे लगाए हुए हैं ताकि बर्ड इजीली ब्रीड कर सके। और बर्ड्स का जो फीडिंग सिस्टम है वो भी बैक साइड पे ही है, जैसा कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक जो पॉट है वो दाने का है, और एक पानी का है, और एक सॉफ्ट फूड का है। तो इसको इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि जो फूड की 90% जो वेस्टेज है वो इसके नीचे एक ट्रे है वो उसके अंदर गिरती है, ना कि वो ज़मीन पे गिरे। और इन केजेस में जो फीडिंग एरिया है उसको बहुत प्रोमिनेंट बनाया हुआ है और थोड़ा हाइट पे बनाया है ताकि बर्ड इस पे इजीली आके बैठ के खाना खा सके। इन केजेस को प्रोई मटेरियल में बनवाया हुआ है ताकि मकाउज इनको तोड़ ना सकें, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग वाले जो केजेस हैं उनको मकाउज इजीली तोड़ सकते हैं। और केज टू केज जो गैप है वो 6 इंच का है ताकि एक केज से दूसरे केज में बर्ड दूसरे बर्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। इसके अलावा हर केज में 2 छोटी विंडोज़ हैं जो नेस्टिंग बॉक्स में जाने के लिए हैं। जैसे कि काकाटू हैं, इनके नेस्टिंग बॉक्स के 2 होल होते हैं, तो उसमें 2 विंडोज़ हैं। अगर जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी जो विंडोज़ हैं वो सिंगल हैं। और जो बॉक्स है उसको इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि वो केज का पोर्शन ही लगे और बर्ड को एक अलग से टेरिटरी फील ना हो। बाकी इन केजेस में मैंने एक्टिविटी के लिए डिफरेंट टाइप के जो टॉयज़ हैं वो हैंग किए हुए हैं ताकि बर्ड है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहे, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप पैरट्स को रेडीमेड ही टॉयज़ दें, आप ख़ुद से भी टॉयज़ बना सकते हैं, और ये बहुत ईजी हैं। बेशुमार ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको देखें तो सिंपल टॉयज़ बना सकते हैं जिससे बर्ड हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटी मिलती है और आपके बर्ड्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। आउटडोर शेड में मेरे पास अभी पेयर्स कंप्लीट नहीं है, तो मैं इंडोर शेड के जो बर्ड्स हैं उनको मैंने आउटडोर में ऑफ सीज़न में छोड़ा हुआ है ताकि वो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी उन्हें मिल सके, वो फ्रीली जो फ्लाइट कर सकें। ये तमाम अलेक्टस के मेरे पेयर्स हैं जो कि ब्रीडिंग सीज़न में इंडोर में होते हैं।
और ये तमाम जो है अफ्रीकन ग्रे के पेयर्स हैं। अच्छा, एक और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इस साल रहा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इस साल फर्स्ट ईयर किया है कि तमाम जो मेल हैं वो एक एजेस में और एक में तमाम फीमेल्स हैं वो अलग अलग जो है वो डाली, और जब इनकी पेयरिंग किया तो इनकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि मेरे पास जितने भी अफ्रीकन ग्रे के पेयर हैं वो मैंने नेचुरल पेयरिंग की हुई है, तो उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ब्रीडिंग मैं इस ये भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि इनका ब्रीडिंग रिज़ल्ट कैसा रहा। और ये कुछ यंग बर्ड्स हैं येलो अलेक्जेंड्रीन के, ये भी मैंने आउटडोर शेड में छोड़े हुए हैं, जब इंशाल्लाह ये अडल्ट होंगे तो फिर इनको भी इंडोर शेड में शिफ्ट कर दूँगा। इसके अलावा ये कुछ येलो रिंगनेक्स हैं, इनके भी यंग पेयर्स हैं, कुछ बड़े पेयर्स हैं, ये भी फ्लाइट में है। अगर आपके पास तकरीबन 20-25 पेयर किसी भी स्पीशीज़ के हैं तो आपके पास फ़्लाइट केज ज़रूर होना चाहिए। मैं फ़र्स्ट ईयर से जब से मैंने रखे हैं, मुझे 6 साल हो गए हैं बर्ड्स रखे हुए, तो मेरी आदत है कि मैं बर्ड्स को जो है ना, जब ऑफ सीज़न होता है तो मेरा दिल करता है कि बर्ड्स हैं वो ज़रा खुश हो जाएं, उनको बड़े केज में छोड़ दिया जाए। मैंने कुछ के तो फ़्लाइट केज बनवाए हुए हैं, जैसे सन की न्योर है, अलेक्जेंड्रीन रा है, लेकिन मेरे पास अफ्रीकन ग्रे का जो फ़्लाइट केज है ना वो नहीं था। तो इस साल मैंने रिंगनेक्स को, अफ्रीकन ग्रे को, इनको फ़्लाइट केज में छोड़ा है, तो इनकी जो मूवमेंट है वो इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो सारे बर्ड्स हैं ऑफ सीज़न में, क्योंकि बर्ड के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती तो मोस्टली बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, या आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप केज को अच्छे तरह से साफ़ कर सकें। तो मैं अपने सब व्यूअर्स को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जिन लोगों के पास शेड है वो अपने पास फ़्लाइट केजेस ज़रूर बनवाएं। मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मैं जितनी मैक्सिमम फ़्लाइट केजेस बनवा सकता हूँ उन तमाम बर्ड्स के लिए बनाऊँ, कि जब ऑफ सीज़न स्टार्ट हो तो उनको उसमें डाल दिया जाए, ताकि बर्ड है उसको उस सीज़न को ठीक से इंजॉय कर सकें। आउटडोर शेड में छोड़ने के तकरीबन 1 महीने के बाद मेरे एक ब्लू एंड गोल्ड ने लिंक कर दी, और मैं इतना खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा हो गया था कि मेरे बर्ड्स ने जो ये केजेस हैं, ये स्टाइल है, ये उनको पसंद आया है, क्योंकि मैंने किसी जगह पे भी नहीं देखा कि बर्ड है वो ग्राउंड लेवल पे आए, और इसकी ग्राउंड लेवल है वो ज़मीन से 3 फुट ऊँची है, इस वजह से बर्ड इसको पसंद करता है, और रेनी सीज़न है उसको इंजॉय करता है, उसके अलावा फूड को इंजॉय करता है, हर चीज़ है उसको बर्ड है वो बहुत इंजॉय करता है। तो अगर आपके केजेस अच्छे हैं तो आपका बर्ड है उम्मीद है कि बहुत जल्दी ब्रीड करेगा। बाकी मज़ीद जो मुझे सक्सेस मिलेगी और मिलती रहती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये बर्ड्स के शेड का आइडिया मेरे माइंड में कहाँ से आया, ये लोग मुझे बहुत पूछते हैं। यार, आइडिया आ जाता है जब आप किसी चीज़ के मतलब सोचें, जब आपका प्लान हो। अब इसी जगह पे मैं 100 केजेस का शेड भी बना सकता था। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आपने ये सिंगल केज बनाया और इतना एक्सपेंसिव बनाया है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्टिविटी है वो 17 केजेस पूरी करें, अगर आप ना कि आप 100 केजेस लगाएं, तो बेहतर है कि आप वो 70 नहीं रखें और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, और आपके पास स्पेशल बर्ड्स हों, थोड़े हों और अच्छे हों, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं अपने तमाम बर्ड्स को वो तमाम फ्रेश चीज़ें देता हूँ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि छली के मौसम में मैं इनको छली, और आम के मौसम में आम, इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं वो इनको मैं ज़रूर देता हूँ। और इसके अलावा कुछ बर्ड्स हैं उनमें ये फीडर्स का इशू आ जाता है, वो अपने परों को प्लग करना शुरू हो जाते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि आप शहतूत या पॉपुलर या कोई और ऐसा दरख्त जिसके अंदर से जो लेसदार नहीं होता वो आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी लकड़ी थोड़ी नरम होती है, उसका जो आप एक पोर्शन लेके, एक टहनी लेके आप केज में खड़ा कर दें, बर्ड है उसको नोचता रहेगा, अपनी आदत पूरी करता रहेगा, और वो बर्ड
अपने पर को कभी भी नहीं नोचेगा, स्पेशली जब बर्ड्स के नए पर आते हैं। कुछ बर्ड्स को आदत होती है प्लकिंग करने की, तो वो अपने पर हैं वो ख़राब कर देते हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ था कि आप जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं करते प्रॉपरली, जैसे कि मकाऊ है उसकी ब्रीडिंग पे आप नहीं बता रहे, आर्टिफिशियल इनकोबेशन है उस पर वीडियो नहीं बना रहे। तो भाई मेरा जिस चीज़ पे ग्रिप नहीं है उस पर मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाता। जब मुझे एक्सपीरियंस उस पर अबूर हासिल हो जाएगा, मैं मुझे 100% मैं श्योर होऊंगा कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है या वो चीज़ जो है वो थोड़ी डाउटेड है मेरे लिए, तो मैं कभी भी उस पर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही होता है कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ना कि मैं YouTube पे अपना जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज़ करूँ। एक और एक्सपीरियंस की बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि तब तक आप वो बर्ड बाय ना करें जब तक आप छोटे बर्ड्स की सक्सेसफुल ब्रीडिंग ना ले लें। जैसा कि मैंने पहले ब्लू एंड गोल्ड लिया, जब इनकी ब्रीडिंग मेरे पास आ गई देन मैंने ग्रीन विंग बाय किया है, उसकी एक्सपीरियंस उसका करूँगा। और इसी तरह ही जब मैं काकाटूज़ के भी मैंने पेयर लिए हैं, तो मैंने सारी स्पीशीज़ नहीं लिए, मैं पहले एक स्पीशी पे काम करता हूँ, जब उसकी सक्सेसफुल ब्रीडिंग आ जाती है फिर जो है वो मैं नेक्स्ट जो स्पीशीज़ है वो बाय करता हूँ। जब भी आप ब्रीडिंग के हवाले से किसी से बात करते हैं या मशवरा लेते हैं तो किसी एक बंदे पर रिलाई करें, हर बंदे से इस बारे में मशवरा ना करें। कुछ लोग हैं वो हर एक बंदे से मशवरा ले लेते हैं और सबका मिक्सचर है वो बर्ड्स पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपके बर्ड्स हैं वो अच्छी ब्रीड बिल्कुल भी नहीं करते, और वो सब पे सबको ब्लेम करते हैं कि आपने मुझे ये बताया था आपने मुझे ये बताया था। और दूसरी बात ये कि जब भी बर्ड बाय करें ब्रीडर बर्ड बाय ना करें, बर्ड यंग बाय करें और 2 से 3 साल वेट करें, क्योंकि अगर आप ब्रीडर बर्ड बाय करेंगे आपको गलत बर्ड मिल जाएगा। क्योंकि अच्छा बर्ड है, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अच्छा बर्ड है वो कोई भी सेल नहीं करता, तो यंग बर्ड बाय करें। हाँ, अगर आपकी आंखों देखा हुआ बर्ड आपको ब्रीडिंग मिल रहा है तो आप बाय कर लें, नहीं तो आप जो यंग बर्ड बाय करें, जैसा कि मकाउज है, मकाओ तकरीबन 5 से 6 साल लेता है, मैंने मकाउज के भी यंग बर्ड बाय किए हुए हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये बर्ड बड़े होंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। तो सबसे बेहतर यही है वाइल्ड बर्ड से लेने से भी इज्तनाब करें, क्योंकि वाइल्ड बर्ड है वो भी कैप्टिविटी में एक आपको बाधाएँ देता है, और उसने जिस माहौल में ग्रो अप किया है उसका केज लाइफ में जो सेटल्ड होना बहुत मुश्किल है। केज में ऐसा पैटर्न बन गया हुआ है कि अपने फीडर से लेके पर्च तक और फर्स्ट पर्च से सेकंड पर्च तक जाना बर्ड के लिए बहुत इजी है, जैसे बर्ड अपने आप को सिक्योर फील करता है और उसकी फ्लाइट है वो भी ठीक ठाक बन जाती है, जिससे बर्ड है उसकी फ्लाई की एक्टिविटी है वो भी पूरी हो जाती है और बर्ड है वो फ्रेश रहता है। जब ये शौक स्टार्ट किया है तो मैंने भी बहुत से वाइल्ड बर्ड्स लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो पता चला कि ये वाइल्ड बर्ड्स हैं जो इतना टाइम लेते हैं केजेस की लाइफ में सेट होने में, तो क्यों ना छोटे बर्ड्स लेके उनको बड़ा किया जाए। तो फिर मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा था। तो इसीलिए मैं सब पे यही ज़ोर देता हूँ कि वाइल्ड बर्ड्स को छोड़ें और कैप्टिव बर्ड्स ख़रीदें। अक्सर लोग कहते हैं कि गोरों के बर्ड्स बड़े खूबसूरत होते हैं, वो बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो वाइल्ड बर्ड्स को पसंद नहीं करते और ना ही उन्हें रखते हैं। कैप्टिव बर्ड्स हैं वो रखते हैं, उन्हीं से ब्रीड लेते हैं और आगे उन्हीं से प्रोडक्शन लेते हैं, तो इस वजह से उनके बर्ड्स हैं वो खूबसूरत होते हैं और वो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी देते हैं। और अगर आप ट्रू बर्ड्स लवर हैं तो अपनी नेचर में जो बर्ड्स हैं उनको सेव रहने दें और अपने बर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस करवाएं, और कैप्टिव बर्ड्स को कैप्टिविटी में रहने दें और जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनको वाइल्ड लाइफ में रहने दें। कुछ शेड में लोगों के बर्ड्स हैं वो कुछ भी नहीं खाते, उस ना खाने की रीज़न ये होती है या तो बर्ड है वो वाइल्ड होता है
जिसकी वजह से उसकी आदत ऐसी बन गई होती है कि वो यूज़ टू नहीं होता। तो मैं इसीलिए यंग बर्ड्स लेता हूँ ताकि उनको वो तमाम जो डाइट पे उसको सेट कर सकूँ जो उसके लिए बेहतर है। और मेरे तमाम बर्ड्स हैं वो पैलेट्स खाते हैं, सन किनी और मकाउस, अफ्रीकन ग्रे, तमाम बर्ड्स हैं वो मेरे, उनको मैं जो उनके रिक्वायर्ड फीड के मुताबिक जितने पैलेट्स होते हैं वो मैं उनको डालता हूँ और वो बड़े शौक से खाते हैं। पैलेट्स हैं उनमें वो तमाम न्यूट्रिशंस होते हैं जो हम वक्तन फवक्तन इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इनको पैलेटेड डाइट देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए जो पैलेटेड डाइट है ना वो रिकमेंडेड है। ये तमाम मकाउस जो आप देख रहे हैं ये मैंने शेड बनाने से 2 साल पहले बाय कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्रीडिंग के लिए और अडल्ट होने के लिए भी टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको 2 साल पहले ही बाय कर लिया था ताकि मेरा जो टाइम है वो काफ़ी हद तक बच सके। जब भी मैं अपने आउटडोर शेड में एंटर होता हूँ तो तमाम जो बर्ड्स हैं वो फ्रंट पे आ जाते हैं मुझे देख के, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रखता हूँ जो मैं बर्ड्स को अपने हाथ से खिलाऊं। और मेरे बर्ड्स इतने मेरे से अटैच हो गए हैं जब से मैंने इनको आउटडोर शेड में शिफ्ट किया है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं, उनको डर भी नहीं लगता। और मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मैं जो अपना इनडोर शेड है उसमें एक लेन में ऐसे सस्पेंडेड केजेस बनाऊं, क्योंकि डबल या ट्रिपल पोर्शन केजेस हैं उसमें जो बर्ड है वो खुश नहीं रहता और स्पेशली आपके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होता। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं बर्ड्स की तो उनकी जो खुशी का भी ख्याल रखें कि बर्ड है जिसमें खुश रह सके। कम बर्ड्स रखें, अच्छे तरीके से रखें। मेरा जो फ्यूचर का जो प्लान है वो यही है कि मैंने फ्यूचर में बर्ड्स कम करने हैं और इनके जो केजेस हैं वो इंशाल्लाह मॉडल केजेस बनाने हैं। इस शेड को बनाने में सिर्फ मेरी ही एफर्ट शामिल नहीं, इसमें मेरे दोस्तों की भी एफर्ट शामिल हैं। जब जब उन्हें मैंने बुलाया किसी काम के लिए और जब जब जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी उन्होंने मुझे, दिन रात जब मैंने उनसे जो पूछा उन्होंने मुझे बताया। मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसमें मेरी बहुत हेल्प की। जब से मैंने आउटडोर शेड में मकाउस को और दूसरे बर्ड्स को शिफ्ट किया है इनकी फेदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। इनके परों में इतनी शाइन है और इनकी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी हो गई है, क्योंकि एक तो बड़ा केज होने की वजह से इनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है, इनको सनलाइट लगती है, ये बारिश को भी इंजॉय करते हैं, गर्मी को, सर्दी को, सब मौसम को इंजॉय करते हैं और खूब खाते पीते हैं, तो हर तरह से जो ये मुझे खुश लगते हैं। इस शेड में मेरे बर्ड्स भी बहुत खुश हैं और मैं बर्ड्स को देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
हमारा फर्ज बर्ड्स को रखना ही नहीं, उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना भी है। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो आप इससे भी अच्छा शेड बनाएं और अपने बर्ड्स को इससे भी अच्छा माहौल दें, ताकि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करें और उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhary YouTube channel.